पार्टी ने भी अखबारों में इश्तेहार छपवाया है कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे, ढलाव मुक्त दिल्ली देंगे, कूड़ा कचरा मुक्त दिल्ली देंगे, महामारी मुक्त दिल्ली देंगे, नशा मुक्त दिल्ली, कर्ज मुक्त नगर। तो अगर इतने सारी कमियां हैं तो कमियां तो आपको लेकर ही है। देखिए, दिल्ली को अगर प्रदूषण मुक्त करना है तो दिल्ली में तीन सरकार चलती है। प्रदूषण छोड़िए, आप कूड़ा बताइए। कूड़ा में दिल्ली में किसी मच्छर की समस्या है नहीं, सारे काम एमसीडी कर रही है। घर से कूड़ा उठ रहा है, गली से कूड़ा उठ रहा है, ढलाव घर से कूड़ा उठ रहा है। 500 ढलाव घर हमने दिल्ली से खत्म किए। कल मैं बुराड़ी गया था। जब मैं वहां घुसा तो मुझे समझ में आया कि इस इलाके में समस्या नहीं, समस्या में इलाका बना हुआ है। आपके पार्षद वहां आ नहीं रहे थे। लोग कहते हैं लेंटर माफिया उफान पर है, हर चीज का रेट फिक्स है हर इलाके का। तो ये सारी बातें आपको पता है या नहीं पता है? देखिए, ये सब बनावटी बातें हैं। नगर निगम में 15 साल से दिल्ली में लेंटर माफिया नहीं है। बार हम आएंगे, लेंटर माफिया पर कार्रवाई करेंगे। कोई शिकायत दे, जिसमें जिसकी शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई होगी और अधिकारियों को तो सस्पेंड। आम जनता क्यों कहती है कि लेंटर का रेट हर जगह फिक्स है? किसने जगह पैसा, अगर एक भी व्यक्ति की किसने शिकायत की हो तो हम उसको एक मिनट पाएंगे। हर जगह फिक्स है, ये तो जहाँ पे एक रुपया फिक्स नहीं है। नहीं नहीं सर, ये गलत है। बिगर पैसों के तो आप लेंटर बना ही नहीं सकते सर, डाल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, शुभांकर जी, पिछले 15 सालों में बीजेपी ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का खिताब दिला दिया गया है एमसीडी को। मलेरिया, चिकनगुनिया गायब हो गए ना सर, कर रहे हो तो गायब हो गए। आठ जवाब दही भ्रष्टाचारी थे, ये छोटे भ्रष्टाचारी है। इन्होंने भी कट्टर ईमानदार करी, इन्होंने भी कट्टर ईमानदार करी, लेकिन देश और दिल्ली को लूटने वाली दोनों पार्टियां। एक बात बताइए, दोनों हाथों से लूटा है, दोनों एक आप यहाँ के साथी ने उठाया है। सिविल डिफेंस का 10,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग करा दी, करोड़ों रुपए सरकार ने ले लिए युवाओं से और उनको नौकरी नहीं दे रहे। जहाँ आंगनवाड़ी वाली देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल देखो, एमसीडी के अंदर 2013 से पहले जब एमसीडी में सरकार हुआ करती थी, क्या अभी हड़ताल देखी? सफाई कर्मचारी दोनों की दोनों मिले हुए हैं। क्यों सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठता है? 5-5 महीने उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। हमारी सरकार बात कर रहे हैं, नक्शा पास कराने पे पैसा, लेंटर डालने पे पैसा, सील करने की धमकी देते हैं पैसा। अब तो आदेश गुप्ता जी बुलडोजर लेके आ जाते हैं, पैसा निकाल दिया हमने। आपकी जीत जा रहा है, मोरबी वाले को बताया क्यों? आप बताइए, जिसने 150 लोगों को मार दिया, जिनके पकड़े जा रहे, करप्शन हमें बता रहे, नकली कारण ये बने, करप्शन हम कर रहे हैं, बस इनकी। अच्छा, एक मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आता है कि दो तरह की सियासत होती है, एक होती है काम की सियासत, एक होती है बदनाम की सियासत। बीजेपी 15 साल से, लेकिन जब हम उसको सुनते हैं तो खाली आम आदमी पार्टी कूदती रहती है। आप लोग अपनी उपलब्धि कम गिनाते हैं, इसके पीछे वजह क्या? क्योंकि दिन रात इनको आप खाली। मैं अपनी उपलब्धि बता रहा हूँ, 15 साल में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए हमने 500 ढलाव घर खत्म किए। दिल्ली एक मिनट रुकिए, कूड़े का कोई पार्ट में कूड़ा आपके घर से निकलता नहीं निकलता, सब घरों से कूड़ा निकल करके गली में जाता है, गली से उठ करके ढलाव घर में जाता है और ढलाव घर से लैंडफिल में जाता है। अच्छा, वोट वोट डालते हैं आप? हाँ। तो एमसीडी चुनाव आ रहा है आपकी, उसमें क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या है? अब देखो, अच्छा हो जाए, हम तो कहते हैं सबका अच्छा हो जाए। ठीक है, आपका पुराना पेंशन बहाल हो जाए, आप ये चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है। जो है, और ये ट्रेन की हाफ टिकट कब होगी? अब देखिए आप लोग इनके विधानसभा के सारे मुद्दे उठा लेते हैं। अब ये चर्चा जो है, ये हम लाए तो है नहीं, ये किसी पार्टी की भी बात इन्होंने की। अब ये जो बातें हैं, बुनियादी बातें, कहा जा रहा है कि बुनियादी बातों आप लोग ध्यान दे, आप लोग ये मंदिर मस्जिद में उलझा के सारा जो बुनियादी मामला, आप लोगों ने एमसीडी चुनाव में भी 370 हिंदुत्व कर दिया, तो वो ये परेशानियां गायब होती है। ये सब भी उठाइए, लेकिन इनका भी ध्यान रखिए। देश को एक करने के लिए 370 नहीं हटनी चाहिए क्या? तो वो लोगों को बताया नहीं क्या? देश के अंदर 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का, अच्छी बात है। लोगों ने समस्या को पकड़ कर रखा, हमने सुलझाया। अरे भाई, बता रहे ना आपको साधुवाद। वरिष्ठों की पेंशन राज्य सरकार ने क्यों रोकी है? क्योंकि ये राज्य सरकार का काम है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार पैसा देती है। राज्य सरकार ने निगम के भी सारी लिस्ट लेकर के सारे सीनियर सिटीजन विड्रो सारी पेंशन। ट्रेन का किराया तो आपने बढ़ाया है ना? ट्रेन का किराया बढ़ाया है तो हम बात करेंगे, उनकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे।